इस सहयोग के प्रोग्राम में हम सब आपका स्वागत करते हैं। तो क्या प्रोग्राम करने जा रहे हैं? जैसे हम ईश्वर को मानते हैं सब लोग और उनकी पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और हमारी उम्मीद होती है कि हमको परमात्मा का आशीर्वाद मिले, तो आशीर्वाद मिलने का मतलब होता है कि हमारी परेशानियां कम हो। ठीक बात है। पर सवाल उठता है कि जिंदगी में एक परेशानी ठीक होती है तो फिर दूसरी आ जाती है। आपका ऐसे समझो, ये श्रीमान देवी निर्मला देवी जैसे हम अपने घर आते हैं ना, अपनी माँ के घर जो अपना घर हो जाता है, ऐसे बिल्कुल अपना घर समझ के यहाँ बैठी, ये बड़ी चीज है। तो हम परमात्मा का जब आशीर्वाद हमको मिलता है तो हमारी जिंदगी की परेशानियां कम होती है, इसीलिए करते हैं पूजा पाठ तो हम लोग। पर परेशानी तो कोई ना कोई बनी रहती है, एक कभी सही भी हो जाती है तो फिर दूसरी आ जाती है। और हम लोग ये मान के बैठे होते हैं कि ऊपर वाला कभी तो हम पे कृपा करेगा, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, यानी हम हमारे मन में ये बात होती है कि भगवान जी ऊपर कहीं रहते हैं और हम नीचे रहते हैं, ऐसे होता है। तो जब हमने कोई बात ईश्वर से कही, भगवान से कही, जिसकी भी पूजा आप कर रहे हो, तो वो भगवान तक पहुंच गई या नहीं पहुंची ये भी हमको कुछ पता नहीं लगता है। लगता है किसी को? सारा काम श्रद्धा भक्ति से करते हैं और इस इंतजार में बैठे होते हैं कि भगवान हमारी कभी तो सुनेगा, कभी तो परेशानी को दूर करेगा। तो अब सवाल उठता है कि अगर भगवान तक हमारी बात नहीं जा रही है तो वो हमारी परेशानी दूर कैसे करेंगे? वैसे तो हम कहते हैं ना कण कण में भगवान, तो हमारे अंदर भी तो है, पर वो अंदर भी पता नहीं लगते हैं। जैसे भूख प्यास सर्दी गर्मी हर चीज हमारा शरीर बताता है, पर भगवान के बारे में हमारा शरीर कुछ नहीं बताता, कुछ नहीं बताता ना। जिसकी हम पूजा कर रहे हैं वो हमारे शरीर में कहां है ये भी नहीं पता लगता। ठीक बात है नहीं? तो अब जरूरत इस चीज की है कि हमारा और भगवान का मिलन होना चाहिए, उससे हमारा संबंध बन जाए। अगर हमारा संबंध बन जाएगा तो जो कुछ हम भगवान से कह रहे हैं वो वहां तक जाएगी बात, और उधर से उनके आशीर्वाद आएंगे और आपको पता लगेगा। वो कैसे होगा? अब ये शरीर है, क्योंकि हम जिंदा हैं तो जिंदा रहता ही होगा ना, मरने के बाद तो पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं पता। तो जैसे ये शरीर में भगवान ने हर हिस्से का अपना काम बनाया, जैसे आंख है तो आंख से ही दिखेगा, अगर आंख नहीं होगी तो नहीं दिखेगा चाहे आप कितनी पूजा पाठ करते हो। तो अब ऐसे जो परमात्मा से मिलन करना है हमारे को, उसके लिए भी ये सारा सिस्टम भगवान ने हमारे अंदर बना रखा है, हर इंसान में बना हुआ है सिस्टम, पर ये चालू नहीं है। जैसे घर में सारी लाइट वाइट फिट होती है पर आपका स्विच बंद हो तो फिर चालू नहीं होगी, तो ऐसे जो हमारा शरीर है उसमें ये एक इतनी बड़ी तीन चीजें हैं। एक ये नाड़ी है नीली वाली, इसका नाम है, और इसको हमारे मन में ये इच्छाएं पैदा करती है और इसका कनेक्शन लेफ्ट बाजू से। अब इच्छा करके काम करना होता है तो काम करने की शक्ति पीली नाड़ी से आती है, तो ये इच्छा भी हर आदमी करता है और काम भी हर आदमी करता है। पर तीसरी एक और नाड़ी है हमारे बीच में, ये अपने आप चलती रहती है। जैसे हमने खाना खा लिया अब वो अपने आप ही हजम होगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, दिल धड़क रहा है, सांस चल रहा है, खून का दौरा चल रहा है, हजारों चीज है जो अपने आप चलती है, उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो ये तीन नाड़ियां हो गई। चौथी एक बहुत बड़ी शक्ति है जो यहां बैठी है, रीढ़ की हड्डी का जो निचला हिस्सा है वहां पर बैठी है, उस शक्ति का नाम है कुंडलिनी। क्या नाम है? कुंडलिनी। तो ये जो कहां होते हैं, बच्चा छोटा होता है ना गोदी में जब पैदा होता है तो आप देखते हो यहां पर तालू में ऐसे 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 धड़कन होती रहती है, तो ये धड़कन ही भगवान जी की सबसे बड़ी शक्ति है। हमारे शरीर में परमात्मा की सबसे बड़ी शक्ति कहां होती है? यहां धड़क रही होती है, फिर बाद में तो ये बंद हो जाता है। तो ये शक्ति ऊपर से नीचे आ जाती है और इस हड्डी में बैठ जाती है, और ये द्वार हमारा बंद हो गया तो भगवान से हमारा संबंध खत्म हो गया।
अब सारा काम अंदर, जितनी भी भगवान ने शक्ति हमारे अंदर दे रखी है, जो भी हमारे कर्म है, जो भी है, उनके हिसाब से जिंदगी चलेगी। तो अब जरूरत किस चीज की है कि हमारी ये शक्ति, भगवान की ये शक्ति जो हमारे अंदर बैठी है कुंडली नाम की, ये शक्ति जाग जाए और जाग के फिर ऊपर की तरफ चले, ऐसे सारे शरीर को ये पार कर जाए, ये जो बंद हो गया द्वार इसको भी खोल दे और सिर से बाहर आ जाए। और बाहर तो भगवान है सब जगह। अब ये शक्ति कहां से आई है? आपके अंदर से आ रही है, यानी आपकी शक्ति है, आप ही इसके मालिक हो, ठीक है श्री। और ये बाहर जब निकल आएगी तो बाहर किसकी शक्ति है? भगवान की, हर जगह। तो ये आपके सिर के ऊपर जब बाहर आएगी तो ये भगवान की शक्ति जो हर तरफ फैली हुई है उससे जाकर ये जुड़ जाएगी। जैसे हम प्लग लगा देते ना प्रेस वगैरह का, चार्जर का, उसमें प्लग लगा दिया तो करंट आने लगता है, मशीन चालू। तो ऐसे ही ये शक्ति जब इससे बाहर आएगी तो ये परमात्मा की शक्ति जो हर जगह है उससे जुड़ जाएगी। इसको योग कहते हैं। क्या कहते हैं? योग कहते हैं, योग। वरना जैसे हम लोग आसन वगैरह करते हैं लोग उसको योग मानते हैं, पर उसमें तो मिलन होता नहीं है कहीं भी। वो तो हमारा शरीर है, चल रहा है, आसन वासन कर रहे हैं, शरीर से थोड़ा फायदा हो जाता है, पर भगवान तो वहां नहीं मिलते। तो ये जो शक्ति जुड़ती है तो ये परमात्मा से आपको जोड़ देती है और इस जुड़ने को योग कहते हैं। हाँ हाँ, ऐसे करिए सभी लोग। ये ऊपर हमने देखो श्री माता जी निर्मला देवी जी का फोटो लगाया, तो इस फोटो में बहुत बड़ी शक्ति है। अभी आपको नहीं पता लग रही है, पर हम ऐसे हाथ खोल के बैठे ताकि इधर से जो शक्ति आ रही है वो हमारे शरीर में जाए। तो ये जो मां की शक्ति है ये इसमें से लगातार आ रही है। अब जैसे कोई अंधा आदमी हो, अब उसको दिन निकल रहा हो या रात, उसे तो पता नहीं लगता, पर आंख वाले को तो लगता है ना। तो ऐसे ही अभी इसमें से शक्ति जो आ रही है वो आपको नहीं पता लग रही है, जिनको पुराना मिलन हो गया उनको लग रही है। तो आप ऐसे हाथ खोल के बैठे सब लोग और इच्छा करें कि आज मेरा योग परमात्मा से हो जाए। अगर आपकी इच्छा नहीं होगी तो फिर कुछ नहीं होगा, ठीक बात है। तो ऐसे लेने के लिए हाथ खोल लें और मां को देखें आराम से, और उनसे दो तीन बार मन में कहें कि मां मेरा मिलन ईश्वर से कराइए, मुझको अपना प्यार दीजिए, ठीक है। और इतना जो मैं बताऊंगा फिर वो सुन ले आप। तो जब ये कुंडलनी शक्ति इसको पार कर गई, सिर से बाहर निकल गई, तो बाहर परमात्मा की शक्ति से ये जुड़ गई। इस जुड़ने को योग कहते हैं। अब हमारे शरीर में अगर कुछ होता है तो उसका पता लगता है ना, आप सबको कुछ भी हो जाए तो पता लगता है ना। तो ऐसे ही अगर ये घटना होगी तो फिर आपको पता लगेगी। तो प्रोग्राम के बाद मैं आपसे कहूंगा भी आप चेक करिए, ऐसे चेक करवाऊंगा मैं आपसे। तो अगर ये द्वार खुल गया होगा तो फिर इसमें से कुछ निकलने लगेगा, अभी तो नहीं निकलता ना सर में से कुछ भी। जरा ये द्वार खुलेगा और भगवान की शक्ति आने लगेगी तो फिर निकलेगा, ठीक है। ये सबूत हो जाएगा कि मेरा द्वार ये खुल गया है, और फिर हाथों में भी कुछ कुछ पता लगेगा, समझ आ गया। और जब आप रोज घर में 5-10 मिनट इसको करोगे तो ये शक्ति बढ़ेगी, और जितनी शक्ति बढ़ेगी उतना ही परमात्मा का आशीर्वाद आपके ऊपर बढ़ेगा। उससे क्या होगा, आपकी जो बीमारियां हैं धीरे धीरे सारी बीमारियां ठीक होने लगेंगी बिना दवाई के। आपकी मानसिक चिंता है, टेंशन वेंशन होती है आजकल, किसी को पैसे की होती है, किसी को घर गृहस्थी की, किसी को पढ़ाई की, किसी को व्यापार की, तो धीरे धीरे करके ये आपकी समस्याएं ठीक होंगी, यानी मानसिक परेशानियां ठीक होंगी, पैसे की दिक्कत भी ठीक होती है, यहां से घर गृहस्थी के झगड़े वो भी ठीक होते हैं। कोई अगर बुरी आदत लग गई हमको, कोई शराब पीने की, कोई जुआ खेलने की, कुछ और गंदा काम करने की, तो वो भी सारी आदतें ये शक्ति आपकी छुड़ा देती। कहने का मतलब है कि अगर हम 5-10 मिनट रोज घर पे ध्यान करेंगे तो फिर हमारी हर समस्या धीरे धीरे करके परमात्मा दूर करते। इतना ही है इसके अंदर। इसमें आपने कोई किसी को नया गुरु नहीं बनाना, कोई आपको और कुछ छोड़ना नहीं है, कोई ड्रेस व्रेस नहीं बदलनी, कोई खाना पीना नहीं छोड़ना, जैसी भी आपकी घर गृहस्थी है उसी में भगवान को पाना, और जो फिर दिक्कतें हैं भगवान उसको दूर करेंगे। और इसको हम क्या कहते हैं, इस काम को,
इसको कहते हैं सहज योग। क्या कहते हैं? और ये किसने चलाया? ये श्री माता जी निर्मला देवी जी ने ये चलाया था, और इन्होंने इसको इतना आसान बनाया, वरना तो भगवान को पाने के लिए ऋषि मुनि कितनी तपस्या करते थे, हजारों जन्म तपस्या करते थे, फिर भी नहीं मिलते थे भगवान को सबको। तो ये श्री माता जी निर्मला देवी ने इसको इतना आसान बना दिया कि आज हम पार्क में बैठ के भी परमात्मा को पा सकते हैं। पर एक शर्त है कि जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी परमात्मा को पाने की, तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सारा शरीर तो आप ही का है, आपकी मर्जी से ही होगा काम। तो ठीक आ गया समझ में इतना? तो करें इसको, तो दोनों हाथ ऐसे खोल लें, फिर हम छोटी छोटी क्रियाएं करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है मैंने बताइए? इच्छा। आपके दिल में एक इच्छा होनी चाहिए कि आज मेरा मिलन परमात्मा से हो जाए। आप और आप अभी पहले देख लें, फिर आंख बंद करके हम करेंगे, ठीक है? अब सीधा हाथ, राइट हैंड, जमीन के ऊपर रखें, हथेली को जमीन पर रखें सर। और ये एक हाथ तो मां की तरफ रहेगा ना, ऐसे करो मां की तरफ, एक हाथ मां की तरफ, क्योंकि उधर से आना है। अगर आप लेने के मन में नहीं होंगे तो उधर से कुछ नहीं आएगा। तो ये उल्टा हाथ मां की तरफ और सीधा हाथ जमीन पर, ठीक आ गया इतना समझ में? ये सब काम दोबारा करेंगे आंख बंद करके। अब दोनों हाथ मां की तरफ करो और ये उल्टा हाथ ऐसे कोहनी के पास से मोड़ दो। ठीक है, दो काम हो गए, फिर दोनों हाथ से हम आगे कर लेंगे। और ये द्वार हमारा देखो बंद है, ये पीली वाली नाड़ी इधर चली गई है और नीली वाली इधर आ गई, तो इस द्वार को भी खोलना होता है। तो इसलिए इस हाथ को यहां रखेंगे, सीधे हाथ को, सीधे हाथ से अपना माथा पकड़ लेंगे और थोड़ा सा दबाएंगे, राइट हैंड बेटा सीधा उसको पीछे जाए। देखो माथा पकड़ना, माथा बच्चे, माथा ऐसे, और थोड़ा ऐसे करके झुका लेंगे, ठीक है? इसके बाद इसी हाथ को सिर के पीछे ले जाएंगे, गर्दन नहीं पकड़नी है, ये माथे के पिछला हिस्सा लगाना है, और ऐसे आकाश की तरफ मोड़ेंगे। आखिर में इस हाथ को यहां पे लगाएंगे तालु में, क्योंकि जो जो द्वार खोलना है ना वहीं तो लगाएंगे। इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे ही रखना, ठीक है? अभी आप देखो, अभी आपको गर्दन नहीं झुकानी है, आप पहले मुझको देख लो। जब आप आंख बंद करेंगे तो ऐसे करवाऊंगा, यहां इसको घुमाएंगे दबाकर ऐसे, और मन में हम प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। क्या मांगना है? मां मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। अगर किसी को ये बात नहीं समझ आ रही है तो आप मुझसे कहें, मुझे मां आत्म ज्ञान दीजिए या ज्ञान दीजिए। ठीक आ गया समझ में आपको इतना? सबको आ गया? तो अब दोनों हाथ आप आगे कर लें, इधर बैठ लो, बहुत जगह है ना, यहाँ बैठ जाओ। नजरे मां की तरफ रखो, देखो सब कुछ वहीं से आ रहा है, हम लोग तो सिर्फ बता रहे हैं आपको, मां ने देना है और आपने लेना है। तो अगर उनकी तरफ ध्यान नहीं रहेगा आपका तो फिर ये कुछ होगा नहीं, मतलब इसके लिए बड़ा सीरियस होना पड़ेगा, मतलब सीरियस का मतलब आपको बड़ी तड़प होनी चाहिए परमात्मा को पाने की, तभी तो होगा ना काम। तो आप दोनों हाथ ऐसे करके मां को देखते रहे, और जैसे ही आपको श्री माता जी का फोटो याद हो जाए तो फिर आप आंखें बंद कर, फिर 5-10 मिनट हम जो भी करेंगे कार्यक्रम उसमें आंख बंद करनी है, क्योंकि ये सारी शक्ति आपके अंदर है, अंदर ही जगेगी, तो आंख बंद करके काम करेंगे। धीरे धीरे आंखें बंद कर लें सब लोग, इधर उधर ना देखें। और सीधे हाथ की हथेली को जमीन पे रख लें, त्रिशूल
तीन बार अपने मन में प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी मन में कोई आवाज नहीं निकालनी क्योंकि सारी शक्तियां आपके अंदर हैं। श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग को श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए। प्रार्थना करके शांतिपूर्वक बैठे। अब दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, सीधा हाथ मां की तरफ ही रहने दें। अपने बाएं हाथ को कोहनी के पास से मोड़ लें, उंगलियां आकाश की तरफ चली जाएंगी और यहां भी तीन बार अपने मन में प्रार्थना करें। श्री माता जी कृपया मेरे दाहिने भाग को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरे दाहिने भाग को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरे दाहिने भाग को शुद्ध कर दीजिए। हम शांति से बैठे थोड़ी देर। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, मन में तीन बार प्रार्थना। श्री माता जी कृपया मुझे संतुलित कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे संतुलित कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे संतुलित कर दीजिए। थोड़ी देर बैठे। एक और प्रार्थना करें तीन बार। श्री माता जी कृपया मेरी कुंडलिनी शक्ति को जगा दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरी कुंडलिनी शक्ति को जगा दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरी कुंडलिनी शक्ति को जगा दीजिए। थोड़ी देर बैठे शांति से। अब अपना लेफ्ट हैंड उल्टा हाथ ऐसे ही रहने दें मां की तरफ और सीधे हाथ से अपना माथा पकड़ लें, थोड़ा दबाएं और गर्दन झुका लें सम्मान पूर्वक। और यहां सच्चे मन से कहें, एक बार कहें या चार पांच बार कहें, पर सच्चे मन से कहें, श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। सच्चे मन से बार बार कहें। इसी हाथ को सिर के पीछे ले जाएं, आंखें बंद रखें, गर्दन आकाश की तरफ मोड़ लें और तीन बार माफी मांग लें। श्री माता जी
जाने अनजाने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी, जाने अनजाने में मुझसे कभी भी कोई गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी, जाने अनजाने में मुझसे कभी भी कोई गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। अब सीधे हाथ को अपने तालू भाग पे रखें, हथेली का गड्ढा अपने तालू पे लगाएं और गर्दन थोड़ा झुका लें सम्मान पूर्वक। यहाँ मैं फिर आपको बता दूं कि आपके मांगे बिना ये होगा नहीं, तो आपको पूरी श्रद्धा भक्ति से माँ से ये मांगना होगा। तो इसको सिर को दबाएं अपनी हथेली से, गर्दन झुकी रहे और हाथ को धीरे धीरे घड़ी की सुइयों की दिशा में धीरे धीरे घुमाएं और जोर लगा के घुमाएं ताकि सिर की चमड़ी भी साथ साथ घूमे। और साथ ही साथ मन में प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। अगर किसी को नहीं बोलना आता तो वो आत्म ज्ञान कह सकता है या सिर्फ ज्ञान भी कह सकता है। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। इसी तरह दबाकर हाथ को घुमाते रहें और मन में प्रार्थना बार बार करते रहें। धीरे धीरे दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, गोदी से ऊंचा अपने हृदय के लेवल में, बहुत धीरे धीरे आंखें खोलें और माँ को देखें। पूरा ध्यान श्री माता जी पे रखें, इधर उधर ना देखें बिल्कुल भी, क्योंकि सारी शक्ति उन्हीं से आती है। माँ को देखते हुए थोड़ा ध्यान अपने हाथों पर भी दें, नजरें माँ की तरफ ही रहें, सिर्फ ध्यान हाथों पर जाए कि क्या मेरे एक हाथ में या दोनों हाथों में कुछ महसूस होने लगा है, जैसे कुछ हल्की सी ठंडक, हल्की सी गर्माइश, कोई भारीपन, कोई झंझनाहट, कोई चींटियाँ सी काटना, सबको अलग अलग होता है। कुछों को दोनों हाथों में एक ही जैसा लग रहा होगा, आपको कुछ पता लगा? आप लोग इधर आ जाइए, आए तो आपको व्यक्तिगत रूप से कराएंगे। उनको कराते हैं द्वारा, जो भी आगे करना चाहते हैं ना आगे आ जाए आराम से, हम सबको व्यक्तिगत रूप से कराएंगे, एक एक व्यक्ति को कराएंगे। अभी आपको आगे क्या करना होगा ये है सवाल। जैसे अभी यहाँ फोटो नहीं देते हैं, पर अभी आपको लिस्ट मिली है, उसके अंदर हमारे ध्यान केंद्रों के पते लिखे हुए हैं, तो आप उन ध्यान केंद्रों पे जाएंगे कि जो भी वहाँ का इंचार्ज होगा आप उनको समझेंगे, मैं प्रोग्राम में आया था, मुझको और सीखना है तो मैं कैसे क्या करूँ आगे के लिए। एक तो तरीका ये है, वहीं से हम श्री माता जी का फोटो ध्यान करने के लिए आपको देते हैं, उसका भी कोई पैसा वहाँ से नहीं लिया जाता, यानी यहाँ पर हम पैसा किसी से नहीं लेते,
जो भी कुछ है सब प्यार मोहब्बत और श्रद्धा की वजह से होता है, इंसानियत के नाते होता है। तो आप किसी भी ध्यान केंद्र पे जाएं, और हमारा ऑनलाइन भी होता है ये, जिसकी यूट्यूब पे अगर लिखेंगे श्री माता जी निर्मला देवी या सहज योग, तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, तो उनसे भी ये सीखा जा सकता है। और अभी जो भी आपका अगर कोई सवाल है या अनुभव नहीं आया है तो आप यहाँ आगे आ जाएं, ताकि हम सब व्यक्तिगत रूप से आपको सिखा सके। या आपको कोई बात नहीं समझ आई है तो आप बेझिझक हमसे सवाल कर सकते हैं, तो हम उसका जवाब जो भी होगा उचित जवाब आपको दिया जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं इसलिए आपको मानना है, आपको पहले अनुभव करना है फिर उसको मानना है। अगर नहीं बैठा जा रहा है तो चेयर ले लो आप।